यार नासिर मियां शहरी को बहुत देर हुई गए हुए, जरा फोन तो करो उसके मोबाइल पे यार। खैरियत हो? सुनो मेरी बेटी का फोन लग रहा है, बात करो। और मुझ में तो हिम्मत नहीं, मैं क्या बात करूंगा। नूमी यार फोन तो देखो। हेलो, हाँ मामू जान, हाँ है, एक मिनट। हेलो जी शेरी, तो कहाँ हो तुम अभी? क्या ठीक है, तुम आ जाओ घर। क्या बात है, खैरियत तो है? कल शेरी जो है बाबर के स्कूल पे है, और बाबर स्कूल में और किसी को नहीं पता कि वो कहाँ है। माय गॉड, सीरियस? सारा स्कूल छान मारा है मैंने, चौकीदार, टीचर्स, प्रिंसिपल, किसी को पता नहीं है कि मेरा बच्चा कहाँ गया। दिन दहाड़े कहाँ गायब हो सकता है, कमाल है। समझ नहीं आता कि जमीन खा गई, आसमान निकल गया। शेरी बेटा, तुम बर वक्त स्कूल में पहुंचे थे कि नहीं? बिल्कुल अंकल, मैं छुट्टी होने से पहले वहां था। बच्चा कहाँ जा सकता है? सॉरी, आई हैव नो आइडिया, मुझे नहीं पता। टोटली फेल टू अंडरस्टैंड। कहीं ऐसा तो नहीं है, आई एम सॉरी, किसी ने उसे किडनैप कर लिया? आसिम भाई, ये कैसे हो सकता है? किसी से कोई दुश्मनी, कोई ऐसी बात ही नहीं है, मेरा दिल नहीं मानता। देखो यार, बच्चा तो है नहीं, मैटर इज सीरियस। मेरे ख्याल से एसएसपी उस्मानी को बता देना चाहिए। ठीक है, जैसे आप मुनासिब समझते हैं। नहीं मिल रहा तो नेचुरली वी नीड हेल्प। हेलो जी, एसएसपी उस्मानी साहब से बात कराइए, मैं गौरी बोल रहा हूँ। ये जरूरी बात। शेरी, तुम कहाँ रह गया? ये बॉबी की फोटोग्राफ है। हाँ ठीक है, चले थाने। चलिए चलिए। क्या आप तीनों जा रहे हैं? जी हाँ, मगर आप? मेरा मतलब था कि अगर सनोबर को फोन, ये फोन पे बताने वाला मामला नहीं है। बात तो सही है गौरी भाई, लेकिन हमारी बात का यकीन सनोबर और उसके मैके वाले नहीं करेंगे। मगर शेरी, अकेला पुलिस स्टेशन? नासिर भाई, आप मेरी फिक्र ना करें, मैं चला जाऊंगा। आप गौरी अंकल के साथ जाएं, वो ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आइए चलो। बहुत हो गया इंतजार भाई, मैं तो कह रही हूँ एसएसपी साहब को, वकील साहब को फोन करें, हमें अपना बच्चा लेने के लिए कानून की मदद लेनी होगी। बिरम बिरम, जोश से नहीं होश से काम लो, और कानून को मजाक मत समझो। अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। आप कहते हैं तो मान लेती हूँ, वैसे मुझे तो कुछ ठीक होता हुआ नजर नहीं आ रहा। बिरम, मुक्का मैल देखकर बात किया करो, जाने कब तुम्हें अकल आएगी। नासिर भाई, बॉबी को साथ ही लेकर आया? वो दरअसल बात यह कि नासिर, कि शरियार ने बाबर को लौटाने से इनकार तो नहीं कर दिया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने कहा था ना कि कोई गड़बड़ है, मुझे तो उन्हीं लोगों की कोई चाल लगती है। शौकत, आप एसएसपी साहब को फोन तो करें। वो शहरयार उन्हीं के पास गया हुआ है, बल्कि मैं भी वहीं जा रहा हूँ। हम लोग कोशिश तो कर रहे हैं कि बाबर मिल जाए, बस इंशाल्लाह जरूर मिल जाएगा। मैं शौकत भाई चलूँ, अम्मी की तबीयत जरा खराब है। हाँ हाँ, मैं समझ सकता हूँ, हम सब आपके साथ हैं, प्लीज रब्ते में रहिएगा।
ब्रेक साहब, मुझे माफ कर दीजिए ब्रेक साहब, मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत मनहूस हूँ, इस तरह तो मुझे जीने से मौत आ जाए तो बेहतर है। प्लीज मामा, ऐसे तो ना कहिए। खुदा आपका साया हम पर हमेशा कायम रखे। नहीं बेटा नहीं, मैं बहुत मनहूस हूँ, मेरा साया तुम पर नहीं पड़ना चाहिए। मैं बेवा हो गई, मेरे बेटे का घर उजड़ गया और मेरा पोता वो भी, आज वो भी कहीं खो गया। मामा प्लीज हौसला कीजिए, बापन मिल जाएगा, परेशान हो। मामा मैं नोमी को नाश्ता करा के स्कूल भेज कर आई हूँ। घर में रहता था तो हर वक्त रोता रहता था, नासिर उसे छोड़ के आए। अच्छा किया उसे स्कूल भेज दिया, नोमी बॉबी से प्यार भी तो बहुत करता है ना। अक्सर कभी नाजिया डांटती थी उसे तो वो उससे भी लपड़ता था। नाजिया पे याद आया वो बात। कहिए कहिए क्या बात है, बोले। मैं ये कह रही थी बेटा कि नाजिया जैसी भी है, अच्छी है बुरी है, मेरी बेटी है। जमील के जेल जाने के बाद वो तन्हा रह गई है, अगर हम उसे अपने घर ले आए, देखो ना वो माँ भी बनने वाली है, अकेले कैसे गुजारेगी ये जिंदगी। हम ठीक कह रही हैं, हम अपनी मुसीबतों में परेशानियों में उसको बिल्कुल ही भूल गए। चलें इसको चल के ले आते हैं, अभी लेके आते हैं। हाँ मामा मैं भी चलती हूँ, चलो ये आओ बेटा। जमील ने मुझे ताकीद की थी कि जब तक मैं ना कहूँ कोई रकम नहीं देना, तो फिर तुम कौन से पैसे मांग रहे हो। और हाँ एक बात याद रखना, बाबर को किसी भी हाल में पुलिस के हत्थे नहीं लगना चाहिए, समझे। ओके शाबाश बेटा शाबाश, मैं तो ये समझ रही थी कि मैंने एक बेटी को जन्म दिया है, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि मैंने एक नागन को पैदा किया है जिसने मेरे घर को डस लिया। अरे तूने अपने भाई का घर बर्बाद कर दिया, अपने भाई को डस लिया। अरे डायन लानत है तुझ पर, मैं सारे खानदान को बता दूंगी कि मेरे बेटे का घर बर्बाद करने वाली ये डायन है। देखो कौन आया। भाई पता है एसपी साहब खुद बेकर गए। कुछ पता चला वो कौन लोग थे। सनोबर मिट्टी डालो इस बात पे, अपना बच्चा मिल गया और क्या चाहिए। पहली बार आपने कोई अकलमंदी की बात की है। मैं ये सारे पापड़ तुम्हारे लिए बेल रही। अजीब बात है, मुझे तो पापड़ पसंद ही नहीं है, आप क्यों बेल रही हैं। क्यूटी है क्यूटी। हाँ कुछ समझ नहीं आता कि क्या किया जाए इस वक्त में। मैं तो तुमसे माफी मांगने के भी काबिल नहीं हूं बेटा,
तुम्हारी मुजरिम हूँ, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। मम्मी प्लीज। बेटा हो सके तो अपनी माँ को माफ कर देना।